और क्या कर रहा था? अच्छा गन्ना जी क्या कह रहे थे, बोलना जी आप। ये देखो गुब्बारे, ये देख लो भाई, मुकू का बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है। हम पेस्ट्री ले आए थे मुकू के लिए कि भाई मुकू को केक खिला के ही सुलाएंगे रात में। रिकी शॉर्ट्स बनाई है मेरे दूसरे फोन से। रिकी जल्दी ले, रुक रे, ये बड़ा हुआ। रिकी रिकी मकू पापा को खिलाओ और पापा आपको खिलाएंगे। चम्मच ना ले आई तू? चम्मच ला रहा रिकी? अच्छा और ना, तो इसके पे कहा है? बढ़िया, पापा को खिला दे। यो देख लो, थर्ड मेंबर तारा परमानेंटली केक पे आता तो सुता उठ का आया है। हाँ ले रे, ला भाई मैं भी खिलाऊंगा। इधर रे, कौन सा दिखाई रिकी? इधर। हाँ कोई से भी खिला दे यार, रिकी दिखाई नहीं दे रहा। इधर कर लो दोनों मुंह। हाँ अब खिलाओ। हैप्पी बर्थडे टू यू मुकू, गॉड ब्लेस यू। आधा घंटा नहीं, कई घंटे है मुकू। सुबह सुबह हुई थी 7:40 पे। अरे चम्मच, गॉड ब्लेस यू। बस ये मैंने खा लिया, ले चम्मच में देते इसको। सो गए थे पर केक की खुशबू तो आप भी उठ गए। खराटे की आवाज आओ थी, अबकी बार वीडियो बना दूंगी आपके खराटा की भी, कसम से। कोई नहीं, खा के सो जाओ सारे। की आवाज सुनोगी तो ना, बेकार है तू, बेकार है। आज इसमें इतना घटिया काम करा है। रिकी पानी की बोतल लिया ही, मारी नहीं गई। रिकी तना मेरी पानी की बोतल भरी थी ना बेटा, बस पत्नी ये दूसरी की ना भरी। ये नाट का था बेटे, मैं जो है तेरे को नोट सोट कदे मांगी इनकी। भाई जैसे कि आप लोगों ने देखा, आज है मुकू का बर्थडे, तो मुकू है आज बहुत ज्यादा खुश। और आप सब लोगों को सबसे पहले राम राम जी। तो भाई मुकू बर्थडे बेटा, मुकू आज है स्कूल से, आज इसको हम ले आए हाफ डे में क्योंकि इसको रखा है कोल्ड। और मैं अभी दिखाती हूँ आपको कि मुकू ने अभी सुबह क्या पहना है, और मुकू की पसंद का बन रहा है खाना। यहाँ पे बन रही है खीर, जो मैं रिकी का बर्थडे हो या मुकू का हो, नजी का, तो मैं खीर बनाती हूँ भाई। तो खीर बन रही है, सब्जी बना दी है, और अभी बनाऊंगी बथुए का रायता। उसकी भी तैयारी कर दिया, आटा गूंद दिया है, आज मैं सुबह से किचन में ही लगी हुई हूँ। तो ये बनाऊंगी मैं पापा के लिए आज बथुए का रायता। ये लहसुन और हरी मिर्च डाल के पीस रखा है, बस अब उसको दही में चटनी लग रहा है, अभी दही में वो करूंगी ना। और आटा लगा दिया, तो अभी तक का ये था मेरा आज मुकू के बर्थडे का खाना। ऐ के फंस गया, मुकू संतरा खा रही थी और मुकू के गले में फंस गया बीज, ये देखो। और ये देख लो भाई मुकू की नई ड्रेस, जो मुकू ने आज, ये जीन्स तो पिछले बर्थडे की है लेकिन ये जैकेट बिल्कुल नई है जो आज पहनी है मुकू ने, पिछले साल की इस साल यूज हुई है, क्योंकि बर्फ में जाने के लिए जैकेट ली थी पर बर्फ में यूज नहीं, तो आज बर्थडे में यूज होगी। देख लो भाई मुकू की ये जैकेट बहुत अच्छी लग रही है, और मुकू ने सबसे गिफ्ट ले लिया है, लेकिन मेरा अभी पेंडिंग है, वो शाम को दिखाएंगे जब ये दादा के साथ केक काटेगी। एक केक शाम को काटा है, एक केक दादा के साथ काटेगी, है ना मुकू? और खाना मम्मी ने बना दिया है, तो कुछ इस तरह से रहेगा मुकू का बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। और मुकू देख लो कितने खुश है आज, खुश है ना बेटू? बहुत इतनी खुश है कि अपने बर्थडे पे कैंडल वैंडल खुद ही जला के तैयारी कर देती है। है ना मौकी? ठीक है, तो चलिए मैं काम कर लूँ, मैं दादा खाना देना, खीर बनाने हो रही है, मैं देख लूँ अपना, और मैं नहाऊंगी धोऊंगी। कौन सी ब्लैक? ये तो घर पहनने का, जिम में पहन जाऊंगा ना, खराब हो रखी है, फटी हुई है वो भी, सिलवाई थी जी ये पिछली बार चढ़ाई में, उसमें दो जैकेट खराब हुई थी आपकी, आपने एक जैकेट लेनी ही लेनी भाई।
ये देख लो, ये विनोद जी मानते नहीं है, मेरे पास जैकेटों की दुकान है, मैं बच्चों की भी कमी नहीं रखती, एक ये बंदे ऐसे हैं जो मुझे कुछ लेने नहीं देते और अपने लिए लेते नहीं है। ये जैकेट और वो जो ब्राउन जैकेट चिनाई में भी यूज कर ली, पहले भी फट गई है, छोड़ नहीं रहे हैं। हाँ, चिनाई मतलब घर बनाया था जी मारा भाई, अपनी लैंग्वेज में तो चिनाई कहा करो ना जी, फिर जब मजाक क्यों बनाओ हो तब मेरा। लेकिन अब मैं इनकी एक जैकेट लाऊंगी, मैं इनकी नहीं सुनूंगी और लेनी पड़ेगी गादी। भाई खाना तैयार है, देखो बटर का रायता, गरम गरम खीर और ये मुको के आलू गोभी की सब्जी, क्योंकि भाई शाम को तो बच्चे कुछ पिज्ज़ा या चाउमीन वगैरह खा लेंगे अपना मंगा के, और केक वगैरह हो जाएगा, यही सब आइटम हम लोग खाएंगे अपना, कुछ चाउमीन चुमिन चटपटा चटपटा, और मीठे में केक हो जाएगा। और पापा मेरे बर्थडे पे गुलाब जामुन मांग रहे थे गरम, तो पापा के लिए वो मंगाएंगे भाई, है ना। तो इसी तरह से हम घर पर अपना सेलिब्रेट करेंगे मुको का बर्थडे, और आप लोगों के साथ तो शेयर करना ही करना है भाई, है ना। तो जो भी करूँगी घर पर आज मुको, और वो भी मैं मुको को कह रही हूँ मुको बर्थडे का स्टिकर तो लगा दे यार, यही लगाती है भाई किसी का भी बर्थडे हो, अपने बर्थडे का, आरकी के बर्थडे का और अपने पापा के बर्थडे का, तो ये करेगी भाई काम। तो भाई मैं दे देती हूँ पापा को रोटी, और मेरे बेटे देख लो आज स्माइल देख लो भैया जिसकी, और किस चीज़ को लगता है कि मुको डिट्टो मेरी कॉपी है, डिट्टो मेरी कॉपी में भी ऐसी थी सेम हेल्थ वाइज फेस वाइज, मतलब जब इसने एज में मम्मी जितना नहीं, मम्मी जितना तो नहीं हुआ भाई, मम्मी छोटी लगन लगे ना, मम्मी बहुत लंबी होया करती, मोटी हो गई मैं नीचे नीचे फैल गई नहीं तो मैं बहुत मोटी होती थी सच, पतली होती थी और लंबी लगती थी भाई, बहुत खूब पतली थी मैं, देखो मम्मी जितना एकदम स्मार्ट सी लगती थी, साड़ी वाड़ी पहनती थी तो फिट फिगर। लेकिन अब तो अरे इतने बड़े बड़े बच्चे हो गए, अब ऐसा तो होना ही है, अब मेरा बेटा ही 17 साल का हो गया, बेटी 12 साल की हो गई है, तो बुढ़े तो होंगे यार, है ना। बस शाम हो गया, अरे 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 बन गया पानी, गर्म पानी करूँगी भाई, आजकल ठंडा पानी पिया नहीं जाता बिल्कुल भी, आजकल पानी ही कम पिया जाता है, उसको पहले स्विच ऑन कर देती हूँ भाई। पानी गर्म हो जाएगा तो पानी पीऊँगी। और ये देखो मुको के बर्थडे की डेकोरेशन हो चुकी है, और ये मेरी बेटी ने अपने आप से ही की है, थोड़ी बहुत हेल्प उसकी उसके पापा ने की है, क्योंकि मैं घर का काम कर रही थी अपना सुबह खाने वाने का, और ये हमारा पूजा हमेशा की तरह सोता हुआ, और सबकी पोजीशन दिखा देती हूँ घर में कौन कहाँ सो रहा है, क्योंकि सारे सो रहे थे, ये इधर की सो रहा है स्कूल से आने के बाद, चुने की लाइट जलाई नहीं है, नीचे पापा टी वी देख रहे हैं, और इधर हमारी बर्थडे गर्ल भी सो रही है, लेटी हुई है, ट्यूशन व्यूशन पढ़ लिया है इसने, अभी अपनी पार्टी इंजॉय करेगी भाई, इसका केक मंगाया है हमने, और ये मैं हूँ सामने, और ये नोचे अपना रेस्ट फरमाते हुए सर्दी में रजाई के अंदर, और ये रही मैं, ठंड लग रही है क्योंकि मैं भी कंबल में घुसी हुई थी भाई, सो गई थी थोड़ी देर, और सोते टाइम फ़ोन वोन मैं कर देती हूँ अपना बिल्कुल साइलेंट, तो आधा पौना घंटा तो मैं भी सोई हूँ, पानी गर्म हो जाए तो एक बार पानी पी लूँ, फिर चाय बना लेती हूँ अच्छे से, और अभी शाम को खाने का यही रहेगा भाई, केक मंगा दिया, केक वेक काट लेंगे पापा के साथ, और पापा जो क्योंकि पापा कोई भी बाहर की चीज़ नहीं खाते हैं भाई बिल्कुल भी, तो उनसे पूछूंगी वो क्या खाएंगे, वो उनके लिए बना दूंगी, और हमारी कुछ सब्जी रखी हुई है, थोड़ी खीर भी रखी हुई है, सब्जी भी रखी हुई है, रायता भी है थोड़ा सा, रहता तो अब शाम को तो नहीं खाएंगे, और भाई बच्चे पिज़्ज़ा या चाउमीन जो भी मंगाएंगे बच्चों के लिए, शहर से तो पिज़्ज़ा ही मंगाएंगे, वो इनके लिए मंगा दूंगी, तो बस यही सब हमारे खाने पीने का रहेगा, यही रहेगी मुको की बर्थडे पार्टी, आप लोगों के साथ पूरी शेयर करती रहूँगी जैसे भी होगा, और मुको फिर अपने गिफ्ट दिखाएगी आप लोगों को कि उसको बर्थडे गिफ्ट में क्या क्या मिला है, है ना। मैंने अभी नहीं दिया, मेरा पेंडिंग है, मैं जब दे दूँगी तब दिखाऊंगी आप लोगों को, लेकिन मैंने अभी दिया नहीं, मैंने उसको बोला कि थोड़े दिन रुक जाओ उसके बाद मैं दूंगी आपको, क्योंकि अभी मुझे एकदम से बाहर निकलना नहीं हो पा रहा, लिया नहीं उसको चीज़ ऐसी दूंगी, सॉरी भाई, जो यूज़ हो जाए तो वही चीज़ें हम उसको दे रहे हैं, तो मैं उसको बोला कि हफ्ता 10 दिन रुक जा, मैं तेरे को जब भी मुझे पसंद आएगा यहाँ पे आसपास में या ऑनलाइन मैं आपके लिए मंगा दूंगी,
तो उसने बोला ओके मम्मा, और फिलहाल के लिए उसके भैया ने उसके पापा ने दोनों ने गिफ्ट दे दिया है, कपड़े आ चुके हैं उसके, और उनको दो चॉइस दी थी भाई, एक उसने वॉच मांगी थी, एक उसने शूज़ मांगे थे। तो देखो दोनों चीज़ें आप दिला सकते हो बच्चों को, बिल्कुल दिला सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा बच्चे के लिए हर टाइम पे हर चीज़ ज़रूरी है, कौन सी चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है उसको खुद सोचने दो। तो उसके पास जूते दो जोड़ी थे लेकिन वॉच नहीं थी, तो हमने उसको बोला कि एक चीज़ मिलेगी, डिसाइड करके बता दे क्या चाहिए। तो उसने डिसाइड किया कि घड़ी चाहिए, तो उसने जूते छोड़ दिए क्योंकि जूते उसके पास हैं, तो उसने वही चीज़ डिसाइड की जो उसे चाहिए थी। तो ये चीज़ें आपने अपने बच्चों को भी हमें ज़रूर सिखानी चाहिए कि भाई किस तरह से मैनेज किया जाता है। ज़रूरी नहीं कि बच्चे की हर चीज़ बोलते के साथ पूरी कर दो, तेरा वैसा हो तेरा से कर दो, लेकिन थोड़ा सा रखना चाहिए बच्चे के लिए। तो इसी तरह से भाई तो मैं पीलू पानी और चाय चढ़ा रही हूँ भाई, चाय पी रहे हैं सारे, ये दूध पी रहे हैं, ये हमारी बर्थडे गर्ल, इधर बर्थडे गर्ल के पापा चाय की चुस्किया रजाई में, हाँ है ना जी। और अभी शाम ने बच्चों के लिए मंगाएंगे पिज्जा, पिज्जा खा लेंगे है ना भाई, हाँ है ना, ठीक है ओके। केक हो गया और पिज्जा हो गया, बस मैं और बेड पे ये देख लो, अरे कड़ गई चाय। तो सर्दियों का थोड़ा सा आनंद लिया जाए और फिर पापा से पूछ के आते हैं क्या खाएंगे, और फिर केक वेक कटाते हैं भाई, मुँह को थोड़ा सा तैयार श्यार हो के, हाँ थोड़ा सा तैयार श्यार हो जाते हैं भाई। भाई हम हो चुके हैं बर्थडे के लिए रेडी और अब काटेंगे केक। ये देख लो ये मेरा सर्दियों का सूट है पिछले साल का, वो पहन लिया भाई मैंने, और बाकियों को दिखाती हूँ। राम राम जी, राम राम। ये हमारी बर्थडे गर्ल अपने दादा को भी डाल लेंगे, कैंडल लगा ले इसमें। अब भैया अरे की रे आ जा, पैंट पहन रहे पापा ने कहा। ओके ये भी बोल रहा है, आओ भैया पार्टी ऊपर, कौन फोड़ेगा पार्टी ऊपर मार दो तना, अरे की रे की कैसे बोल रहा है, तो फिर ये आता नहीं है, मैं बोलता हूं ये पकड़ो, मेरे बताओ ना मैं फोड़ूंगा। हैप्पी बर्थडे ऊपर यहाँ, बर्थडे टू यू, ओए होए मुझे चुप गया, मुझे सोचा बम पट गया है, मुझे कहाँ चुप गया, हाँ अटर गया पापा। अरे क्या आ गया वीडियो, आप आईफोन यूजर नहीं हो, बेटा हाँ जी मम्मी ने ले लिया खबर दान ओ आज तो भाई रोकी हो रहा है रोकी रिकी की जगह रोकी दादा और ये ये है पोकी सारे साइड में वो पापा का भी हमको चलो ए पागल दोनों तीसरा नीचे रेडी हो जाएगा देखो तीनों खाने की बुखार वो क्या चीटिंग कर रहे हो तो मड़ा आ गए केक के चपट रुपये मेरे तना दो आपका भी डाल दूँ ना सबका पहले पापा को खिलाना पहले पापा को दे दो उनको बाद में देना पापा को और धान तना भी ले लिया पापा खाना खाई है इधर खाई आज ना आइसक्रीम भैया आज हमने ना केक में थोड़ा सा चेंज किया था आज हमने आइसक्रीम केक मंगाया था
ठंड में आइसक्रीम केक हाँ, बहुत लेकिन बहुत जबरदस्त है ताकि कल से फिर छुट्टियां हो जाए जुकाम के कारण है ना कल तो वैसे भी नहीं जाने वाला था मैं हाँ ये लो आपका ठीक है ये मुकुट तेरे में डालो उसको फ्रिज तो भाई ये था उनके बर्थडे का व्लॉग और देख लो भाई खा पी लिया घुस गए रजाई में ये पीरे विनोद जी दूध साथ में मुक्कू और मैं कर रही थी आप लोगों को टाटा बाय बाय तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना और इसी के साथ राम राम जी